आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 90% कंसनट्रेटेड एसिड है, मतलब 90% सांद्रता का एसिड है। दूसरा है 75% कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब 75% सांद्रता का एसिड है, और उसको मिक्स करने पर हमें 78% कंसनट्रेटेड एसिड मिल रहा है, 78% का सांद्रता वाला एसिड मिल रहा है। और वो कितना है जो फाइनल मिल रहा है, वो 30 लीटर का है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये 30 लीटर और 78% पाने के लिए 90% का कितना एसिड यूज करेंगे, 90% का कितना भाग होगा। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स। मिक्सचर एंड एलिगेशन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अब इतना समझने के बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल लगाएंगे। आप एलिगेशन रूल लगाओगे तो 90% को 75% से मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 78% वाला। तो यहाँ से हमें इसका रेशियो मिल जाएगा, ये रेशियो यहाँ पे 78 को 75 में माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 90 में 78 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4, क्योंकि 3 से कट हो जाएगा तो 3×12, तो ये 1:4 आ जाएगा। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि 90% का एक पार्ट मैंने यूज किया है और 75 का 4 पार्ट यूज किया है। यहाँ से टोटल कितने पार्ट है मेरे पास, 5, और ये 5 की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर। 5 की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर, क्योंकि हमें बताया हुआ है ना कि फाइनल 30 लीटर मिल रहा है, 30 लीटर। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 लीटर, और यही हमें निकालना था, 6 लीटर। अगर ये पूछता कि 75% कॉन्सनट्रेटेड एसिड अर्थात 75% सांद्रता एसिड का कितना यूज होगा, तो यहाँ पर 24 लीटर हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट 6 लीटर है तो 4 पार्ट क्या होगा, 24 लीटर। टोटल क्या होगा, 30 लीटर। तो हमारा फाइनल आंसर है 6 लीटर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।